हमसे वादा किया था, आएगा जो सावन तो आओगे, आजा मेरी माही तेरी याद आ गई, हल्की हल्की सी बरसात आ गई। हेलो डियर, मेरे चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आपको अलजेब्रा में क्या कुछ चीज हम बताते हैं, ठीक है। अलजेब्रा में क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर को बताएंगे और उसको सिद्ध करके दिखाएंगे, और आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, अगर स्किप कीजिएगा तो कुछ नहीं समझ पाइएगा। और इसको हम सिद्ध करेंगे, उसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको देखते रहिए, हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलजेब्रा, ठीक है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं बीजगणित, क्या बोलते हैं? बीजगणित, ठीक है, ठीक है। इसे देखिए, आपको हम समझा रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो तीन प्रकार से होता है। देखिए एक जो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एक हो गया, ठीक है। और देखिए सर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि आप टू को, दो को सूत्र के बारे में जानते हैं, ये वो हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। लेकिन एक और हम लेके आए हैं नया, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। हम जानते हैं कि शायद इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे अब इसको हम सीध करके दिखाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए किस तरह से ये सही है, सीध करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है दो बार, ठीक है। अब इसको देखिए ए प्लस बी लिख देंगे, ठीक है, फिर लिख देंगे इसको एक बार और लिख देंगे, इन दो बार हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ए को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, और इसको हम उठा के यहाँ रख देंगे ए प्लस बी, ठीक है। इससे गुना हो गया, और दूसरा क्या हम गुना करेंगे, यहाँ से प्लस बी लिख के ए प्लस बी डाल देंगे, ठीक है, ए प्लस बी। अब देखिए गुना करेंगे ए में ए से गुना करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इसका लगा देंगे प्लस ए में बी से गुना हुआ था हो जाएगा ए बी। अब यहाँ तक हो गया, अब देखिए यहाँ में प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, बी में ए से करेंगे तो बी ए होगा, चाहे इसको हम ए बी लिख सकते हैं, ए और बी, प्लस प्लस लिख देंगे प्लस, बी में गुना हुआ बी से तो कितना होगा बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर हम लिख देंगे प्लस, देखिए ए बी और ए बी जोड़ेंगे तो हो जाएगा टू ए बी, ठीक है, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए आपका आ गया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए इसमें सब क्वेश्चन आपको हम बना के दिखाते हैं। जैसे एक नंबर क्वेश्चन ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन, दो प्लस तीन का होल स्क्वायर ले लीजिए, और इस सूत्र पर हम डाल के अभी दिखाएंगे, उसके बाद इस पर दिखाएंगे, तब लास्ट वाला पर आपको इस पर दिखाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर समझाते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको मान लेंगे ए, और इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ठीक है, और इसको सजाएंगे। देखिए फर्स्ट सूत्र में कह रहा है कि ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर था पति का स्क्वायर करेंगे दो का स्क्वायर, उसके बाद कह रहा है प्लस, तो प्लस कर देंगे, ठीक है। और देखिए कह रहा है टू, टू सूत्र में तो टू लिख देंगे टू, अब कह रहा है ए और बी, पूछो नहीं है तो गुना चिन्ह लगा देंगे, ए कितना है दो है तो दो लिख देंगे गुना, बी कितना है तो बी तीन है तीन ही लेंगे, उसके बाद प्लस कह रहा है कि बी स्क्वायर, तो बी में क्या है तीन है, क्या चीज़ का लिखेंगे तीन का स्क्वायर। अब देखिए दो में स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब है दो बार, यानी जैसे मान लीजिए दो है तो दो में दो से गुना करेंगे इस तरह से, तो दो दूना कितना हो जाएगा चार, प्लस दो दूना चार और चार तीन बारह, तो बस तीन के माने तीन का स्क्वायर, इसी तरह से हैं तीन गुना तीन तो कितना हो जाएगा तीन तीन नौ, और चारों को जोड़िएगा तो बारह चार सोलह, और सोलह गुना नौ कितना हो जाएगा पच्चीस, ये आपका आंसर निकल गया। यहाँ तो आपको इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, आंसर डायरेक्ट आंसर समझना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए दो प्लस तीन का स्क्वायर है, डायरेक्ट क्या कीजिए दो और तीन को जोड़ देंगे तो होगा पाँच, पाँच का स्क्वायर कितना होगा पच्चीस, डायरेक्ट आप आंसर निकाल के चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं अपने आप से, ठीक है। आपको एक नंबर में समझ में आ गया, देखो देखिए एक और समझा देते हैं, इसलिए इसलिए समझाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर पाँच है प्लस आठ का स्क्वायर,
ठीक है सेम उसी तरह इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे और इसी सूत्र पर डाल देंगे ठीक है। तो ए स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 गुने ए कितना है 5 है बी कितना है 8 है प्लस बी स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर ठीक है। और देखिए 50 25 प्लस 15 10 10 अठे 80 ठीक है प्लस 8 टाइम 64 जोड़िएगा तो 25 80 तो 25 सब लेके 169 आ जाएगा। अब पूछिए सर 169 कैसे आ गया तो आप इसको जोड़ कर देख लीजिए 5 को 8 के स्क्वायर कीजिएगा तो 8 5 13 और 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 13 13 हवा कितना होता है 169 होता है हो गया। अब पहले का स्टेप में आपको ये समझा दिए ये आपका हो गया। आइए अब इसको समझाते हैं ठीक है। ए इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए ये भी सेम इसी तरह सेम कोई भी इसमें अलग नहीं देखिए जैसे मान लीजिए इसमें इसी क्वेश्चन को उठा कर रख लीजिए 2 + 3 का स्क्वायर 2 + 3 का स्क्वायर इसमें इसको मानेंगे ए इसको मानेंगे क्या मानेंगे ठीक है। तो कोरा ए स्क्वायर तो कति स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर तो कति का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ठीक है प्लस और 2ab तो 2 सूत्र में 2 लिख देंगे ये कितना है 2 ये कितना है 3 ठीक है। तो 2 × 4 = 9 प्लस 2 × 4 = 12 जोड़िएगा 9 × 4 = 13 और 13 × 12 कितना हो गया 25 हुआ 25 आपका आंसर। और सूत्र आंसर के ये तो हम बताइए दिए हैं कि किस तरह से आंसर आपको चेक करना है आप चेक कर सकते हैं ठीक है। अब इस पर आप समझ सकते हैं ठीक है। और लास्ट जो बच्चा लास्ट वाला जो बच्चा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे ये भी बहुत आसान है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वीडियो में ये स्किप मत कीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab देखिए यहाँ पे तक सूत्र आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर ठीक है। तो आप देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे जैसे मान लीजिए सेम इसी क्वेश्चन को रख लीजिए 2 + 3 का होल स्क्वायर ठीक है। तो इसको करा ए माइनस बी कति मार नहीं इसको 8 कीजिए ठीक है। तो ए माइनस बी तो 8 माइनस कितना का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस कितना 4 ए देखिए इसको किस तरह से कीजिएगा यहाँ तो आप इसको बना सकते डायरेक्ट 8 - 3 कितना होगा 5 5 का स्क्वायर प्लस 4 ए 4 ये कितना है 8 ये कितना है ठीक है। ये 5 = 25 प्लस है तो प्लस 4 / 32 और 32 में 3 से 9 दीजिए 32 × 3 तो 3 × 6 और 3 × 3 = 9 96 आया कितना आया 96 जोड़िए 96 और 25 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 11 9 × 11 = 121 चाहे तो आप जोड़ सकते हैं 8 × 3 = 11 11 = 121 आपका आंसर निकल गया। यहाँ तो ये आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर देख के निकाल सकते हैं इसको हम अगले का वीडियो में आपको बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं बस थोड़ी देर रुकना बस।